हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे, और जो आप YouTube पे नया क्रिएटर हैं, अच्छा YouTube पे आप बहुत दिन से वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका जो है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिलता है, कितना व्यूज गया, कितना क्या क्या वीडियो वायरल नहीं होता है। एकदम शुरू से लेकर एकदम जीरो से लेकर हम लास्ट तक बताएंगे आपको यूट्यूब पे सेटिंग कौन सा करना है, जिसके चलते आपके जो यूट्यूब पे जो वीडियो का व्यूज आना शुरू हो जाए। आपको कुछ करना नहीं है, बस चार सेटिंग आपको हम बताएंगे। थंबनेल कैसे लगाएं, टाइटल क्या लगाएं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, टैग कैसे लगाएं, पूरा मैं वो सेटिंग आपको बताऊंगा जो एक अच्छे क्रिएटर को, जो एक अच्छे यूट्यूब क्रिएटर को वो सेटिंग ज़रूर यूट्यूब पर ऑन होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने में आपका चैनल यूट्यूब पर कैसे आएगा? कितने लोग होते हैं जो यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, लेकिन उसको सही से थंबनेल, सही से टैग, हैग स्टॉक और सर्च बार में आता नहीं है। आप यही गलती करते हैं। आपको हम बताएंगे कि सर्च करते वक्त आपका जो YouTube पर आपका चैनल कैसे शो करें, इसके लिए आप वीडियो बने रहिएगा। सबसे पहले आपको अपने सर्च बार में अपना सर्च करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं, मैं लिख दिया रेसर शिव कुमार 3 मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करेंगे, देख सकते हैं फ्रंट पेज पर मेरा एक चैनल आएगा। जब आप लिखेंगे रेसर शिव कुमार 3 तो फ्रंट पेज पर जो मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। ये आपके फ़ोन में आपके यूट्यूब सर्च करने में सबसे पहले कैसे आएगा आपको नहीं बताएंगे। ये देख सकते हैं मेरा चैनल है, 8000 से अधिक सब्सक्राइबर हुए हैं। हर एक वीडियो पर अच्छा खासा रीच आता है और अच्छा व्यूज भी आता है। वही सेटिंग आपको हम बताएंगे और ये सेटिंग आप ऑन कर लेंगे अपने यूट्यूब पे, तो मैं 100% कह रहा हूँ सर्च करने पर आएगा और आपका वीडियो भी अच्छे से वायरल होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर। अपना क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पर सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपको लिखना है YT स्टूडियो। अब आप यहाँ पे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, जैसे कि आपको हम बता दें कितने लोग YT स्टूडियो जैसे ही क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करते हैं तो उस पर एक गलती काम करते हैं, जो उनके मोबाइल पे होता है YT स्टूडियो जो ऐप्स होता है उसको लोग डिलीट कर देते हैं। मैं आपको तरीका बताऊँगा, डिलीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको हमें जो बताऊंगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है मैं बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं YT स्टूडियो लिखा है, फिर से लॉगिन लिखा है और नीचे अकाउंट लिखा है। आपको जो फर्स्ट लिखा है YouTube स्टूडियो उस पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पे जाना है। जो लॉगिन लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्रिक लगा देता हूँ, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अगर जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपका जो YT स्टूडियो डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधा आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर। नेटवर्क मेरा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कंटिन्यू। अब हम यहाँ पे इसको जो कंटिन्यू लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे वैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र पे अपना YT स्टूडियो अपना यूट्यूब अकाउंट को ओपन कर लेंगे। ये देख सकते हैं इनका चैनल है, इसमें 735 सब्सक्राइबर हैं। अब इसमें वो कौन सी गलती है जिसको जैसे इनका वीडियो वायरल नहीं होता है, आपको हम बताएँगे कि टैग में क्या लिखें, डिस्क्रिप्शन में क्या लगाएं और थंबनेल पे क्या लगाएं, सब पूरा डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग। सबसे नीचे आप यहाँ पे जाएंगे, इसको जूम कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेटिंग। ये सेटिंग पे हम क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब इस पर आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है चैनल। नीचे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ट्रिक करके मार्क लगाकर यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल, हम इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कीबोर्ड में कुछ हुआ नहीं है। जो यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है और यहाँ पे देख सकते कंट्री भी सेलेक्ट नहीं किया गया है। दो गलती यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आप ये दोनों गलती आप सही कर लेंगे तो सर्च बार में आपका जो यूट्यूब चैनल आपका चैनल शो करेगा और जो आपका वीडियो अच्छा खासा व्यूज भी आएगा। अब कैसे लगाना इसको आपको हम बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री पर जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम खोजेंगे, मैं इंडिया का हूँ इसलिए मैं इंडिया लगा रहा हूँ। आप भी इंडिया का होंगे तो आप इंडिया लगाइएगा। आप नीचे से देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, हम इसी पर क्लिक करेंगे। एक गलती जो इसमें था वो सही हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा जो गलती हुआ है, ये गलती आप भी करते होंगे, मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जो ये गलती करते होंगे, कीबोर्ड नहीं लगाते हैं। देख सकते हैं इसमें भी नहीं लगाए, उसको कैसे हम लगाएंगे? जैसे कि इनका वीडियो
जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हैं और जब कॉमेडी बनाते हैं तो कॉमेडी से लिखिएगा, जैसे आप वीडियो बनाते हैं और डांस करते हैं इस पर डांस लिखिएगा। चार पाँच जो सर्च करने पर बार बार जो सर्च करते हैं वो आता है, वही आपको लिखना है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखना है डांस वीडियो, डांस कैसे करूँ, भोजपुरी सॉन्ग, यही सब आपको लिखना है। और जो आप कॉमेडी बनाते हैं तो यही लिखिएगा, कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी वीडियो 2024 आपको यही लिखना है। अब कैसे लिखना है, कितने लिख लेते हैं लेकिन उसको सेव नहीं कर पाते हैं, वीडियो छोड़कर आप जाइएगा, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। और ये गलती आप करेंगे तो आपके चैनल पर ऐसा नहीं कि व्यूज नहीं आएगा, व्यूज आएगा, 1000, 1200, 1700, 2800, 2700 ऐसे व्यूज आएगा, इससे आगे जाएगा नहीं, लोग सर्च करेंगे, सर्च बार में आएगा नहीं। बस मैं आपको यही बताऊँगा कि इसमें क्या लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे, चल लिखते हैं हम कॉमेडी, इसको पहले मैं हिंदी में इंग्लिश में कर लेता हूँ। आप कॉमेडी लिख कर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कीबोर्ड, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पर अपना कीबोर्ड लिखेंगे तो कीबोर्ड के एक ऑप्शन है, जब लिख लेंगे आप तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं जो है ये कीबोर्ड एक लग गया है। दूसरा यहाँ पे लगाना है कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी वीडियोज। अब फिर से आपको वही काम करना है, आपको यहाँ पर कीबोर्ड जो लिखा हुआ है यहीं पर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दूसरा कीबोर्ड आपका लग जाएगा, उसके बाद से आप फिर से लिखेंगे तीसरा हम कॉमेडी वीडियो 2024। अब फिर से वही काम करेंगे, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे ये भी लग जाएगा। अब जो चौथा जो लिखना है, आप अपने चैनल का नाम लिखिएगा, इस चैनल का नाम है एस के रेसर शिव कुमार नाम है चैनल का, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस के आर ए सी आर एस के रेसर, ये आपको ज़रूर लिखना है। अपने चैनल का नाम आपको दो भी लिखना है, जैसे कि चैनल का नाम है एस के रेसर शिव कुमार, तो एक बार फिर से इसको लिखना है शिव कुमार रेसर, ताकि लोग कई खल के सर्च करते हैं, कितने लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कॉमेडी वीडियो 2024, कितने लोग यही सर्च करते हैं 2024 कॉमेडी वीडियो, इसीलिए इसको आपको दो तरीके से लिखना है। एक तो हम लिख दिए हैं, फिर इसको कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे एस के रेसर शिव कुमार रेसर लिख गया, फिर इस यहाँ पर लिखेंगे हम शिव कुमार रेसर, एस एच आई डी शिव कुमार रेसर। आप फिर से हम लिख चुके हैं, फिर यहाँ पर मेरी कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, पांच को कीबोर्ड हम लगा चुके हैं, कीबोर्ड में पांच को टैग्स हम लगा चुके हैं। अब आपको जितना मन करे उतना आप लगा लीजिएगा, जिस रिलेटेड से आप वीडियो बनाते हैं वही आप काम कीजिए। और आप टेक्निकल बनाते हैं तो टेक्निकल से आप लिखिएगा, कॉमेडी तो कॉमेडी से लिखिएगा, और जो डांस है तो डांस से लिखिएगा। तो कीबोर्ड हम पाँच को रहने देंगे, और फिर से यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं लिख रहा होगा एडवांस सेटिंग, अब हमको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे एक और देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पे जो लिखा है यस सेंड दिस चैनल इस समय फॉर किड्स, आपको इस पर नहीं क्लिक करना है। जो बीच वाला है यहाँ पे, जो आप यहाँ बीच वाला देख रहे हैं, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पर, और जब फर्स्ट पर करेंगे तो सिर्फ आपके वीडियो बच्चे लोग देखेंगे, यानी कि जिसका एज 16 साल से कम रहेगा वही लोग आपका वीडियो देख पाएंगे। अगर जो बीच वाला पे करेंगे तो आपका जो वीडियो उन लोगों के पास जाएगा जो 16 साल से अधिक होंगे, और हमको तो यही लगता है कि जितने लोग यूट्यूबर हैं वो सभी लोग बीच वाला ही करते होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूट्यूब चलाने वाले 16 साल से अधिक लोग ही हैं, इसीलिए आपको इसी पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ बीच वाला पे, हम नो पे नो सेंट डिश चैनल एन नो एड्स फॉर किड्स पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको बस इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। यही रहा आपका सेटिंग, अगर जो ये सेटिंग आप कर लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका चैनल 10 या 12 दिन के अंदर जो वायरल होगा और आपके वीडियो पर अच्छा व्यूज आएगा और सर्च करने पर आपका चैनल सर्च बारे भी आएगा। बस एक ध्यान आपको और देना है, आप जैसे वीडियो बनाएंगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो में आपका नाम लिखना है स्टार नहीं लगाना है, बस उसमें आपका नाम लिख देना है। अपन नाम लिख देंगे, 5-6 वीडियो में ऐसे लिख देंगे तो आपका वीडियो जो है सर्च बार में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको हम बताएंगे कि थंबनेल कैसे लगाएं, टाइटल में क्या लिखें, वीडियो अपलोड कैसे करें, एकदम जीरो से बताएंगे आपको।